तुम ट्राई करो ना। थैंक यू। अरे देवा, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये हमारा वहम है या ये सच में हो रहा है? सत्तू ने वाकई मैंगो मस्तानी खाई। तू तो कह रही थी कि सत्या गिरजा की वजह से 4 साल से मैंगो मस्तानी को हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन देख उसने तो हाथ भी लगा दिया और खा भी रहा है। तुझे तो बड़ी शिकायत थी इस लड़की से, लेकिन तूने देखा उसने आते ही सत्या के मन में जो गिरजा की यादें बसी थी ना, उसे मिटाना शुरू कर दिया। एक बात तो माननी पड़ेगी, सई की वजह से सत्या ने जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। वाकई उसने अपने अतीत को भूल के सई के साथ अपना भविष्य देख रहा है, तो हमें भी तो उसका साथ देना चाहिए ना। हाँ, भवानी ताई ने भले ही कहा हो कि ये रिश्ता फलेगा नहीं, लेकिन अब मैं इस बात का हर हाल में ख्याल रखूंगी कि ये रिश्ता फले, मेरी बहू और बेटा खुशी खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। वीनू, देखो तो, तुम्हारी करिश्मा चाची ने किसकी पसंद का खाना बनाया है? देखो। बाड़ा, सुबह से कुछ नहीं खाया तूने? थोड़ा सा खा ले। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। अब जाओ यहाँ से, जाओ। नहीं वीनू, मैं ऐसी बातें नहीं करते। आज जी की बात मान लो ना। देखो सब कुछ तो तुम्हारी पसंद का है ना। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। किसी ने भी नहीं रोका ना मेरी मम्मा को जाने से। अब सब लोग गंदे हो, अब जाओ यहाँ से, जाओ। और फिर शेर ने कहा कि जंगल का राजा तो मैं हूँ। पहली बार मेरे अलावा किसी और से कहानी सुन सोई है। मैं कहानी सुना कहाँ रहा था, कहानी सुनाने की ट्यूशन ले रहा था। कितनी गलतियां निकालती है चुटकी। ये टैलेंट भी तुम्हीं से मिला होगा। ओ, मैंने कब कुछ भी। अरे आई कुछ चाहिए साई? कुछ नहीं चाहिए, कुछ देने आई हूँ तेरी पत्नी को। आज इसने पहली रसोई बनाई थी ना, जो तूने बड़े चाव से खाई और मैंने भी। ले तेरा उपहार। दे। ये तेरा उपहार है। बहू जब पहली बार घर में खाना बनाती है ना, तो उसे गिफ्ट दिया जाता है, और आज तूने जो मीठा बनाया था वो मेरे सत्या ने 4 साल के बाद खाया। आज सही मायने में मेरे सत्या की जिंदगी की नई शुरुआत हुई है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगा। तुम दोनों का खुशहाल परिवार हो, और तुम दोनों एक दूसरे का साथ ऐसे ही निभाना।
अरे ला, मैं सभी को उसके कमरे में सुला देती हूँ। नहीं नहीं यही रहने दे, अब सो गई तो सोने देना, कोई बात नहीं। अरे ऐसे कैसे सत्या, अगर ये यहाँ सोएगी तो तुम दोनों अपना परिवार कब शुरू करोगे? क्या आई, तू कुछ भी बोल देती है, अभी 2 दिन हुए शादी को। कोई बात नहीं, तू सभी को यहीं सोने दे, अभी तू प्लीज जा आई। सॉरी यार, अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये सब कुछ आगे चलकर सुनने को नहीं मिलेगा। अब नई नई शादी हुई है तो कुछ टाइम तो ये सब सुनना पड़ेगा। वीनू का फोन है। हेलो वीनू भाड़ा। वीनू भाड़ा, आप रो रहे हो? बेटा क्या हुआ? आपके पैर में दर्द फिर से तो नहीं शुरू हो गया? मम्मा मुझे छोड़ के चली गई। विनू भाड़ा प्लीज शांत होके बताओ कि क्या हुआ है। हाँ मम्मा ने एक लेटर लिखा और वो मुझे छोड़ के चली गई। ये आप क्या कह रहे हो भाड़ा? आपकी मम्मा? आंटी, मम्मा मुझे छोड़ के चली गई। आंटी मेरी फैमिली टूट गई है। आपने तो बोला था कि मेरी फैमिली को आप नहीं टूटने दोगे। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरी फैमिली को टूटने से बचा दो, आप मम्मा को ढूंढ दो ना डॉक्टर आंटी। विनू बाड़ा प्लीज आप ऐसे रो मत। हाँ मैं देखती हूँ क्या करना है। अब जल्दी यहाँ पर आ जाओ डॉक्टर आंटी, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। हाँ बाड़ा मैं आ रही हूँ, मैं जल्दी आ रही हूँ। ओके लेखा घर छोड़ के चली गई क्यों, और वो भी वीनू को छोड़कर? आईफोन क्यों नहीं उठा रही? सत्या मुझे जवान निवास जाना होगा। पत्रलेखा घर छोड़ के चली गई है, वीनू बेचारा रो ही जा रहा है, वो बहुत परेशान है। ऐसे में मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती, मुझे जाना होगा। हाँ कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं मैं खुद चली जाऊंगी, तुम्हें बता रही थी कि अभी निकलना होगा मुझे। अरे सही, इस वक्त तुम कहाँ अकेले जाओगे? नहीं नहीं मैं इतनी रात को तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूँ, चलो। विराट, विराट क्या हुआ, कदम से कुछ पता चला? पत्रलेखा कहाँ है? अभी कुछ नहीं, मैंने और दादा ने हर जगह देख लिया, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेशन, वहीनी कहीं पर भी नहीं। इनफैक्ट मैं तो फैक्ट्री भी देखकर आया, वहीनी वहां पर भी नहीं। पता नहीं वहीनी कहां होंगी और किस हालत में होंगी। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि अचानक पत्रलेखा ऐसे चली क्यों गई। सही की शादी के बारे में तो उसने खुद खाली पीट पीट कर सबको बताया था, ऐसी क्या बात हो गई कि वो अचानक घर छोड़ के चली गई? ये फैसला क्यों लिया उसने? आप सब मुझे क्यों देख रहे हैं? मुझे सच में नहीं पता कि पाखी कहाँ हो सकती है, कहाँ जा सकती है। आखिरी में तुम्हारी उसके साथ बात हुई थी ना विराट, तुमने ऐसे क्या कहा उसे जिसकी वजह से उसे घर छोड़ के जाना पड़ा? जब आप किसी और को दिल से चाहो, पूरी शिद्दत से प्यार करो और वही उतनी ही शिद्दत के साथ किसी और से प्यार करें। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, मैंने तुमसे प्यार नहीं किया है, कभी नहीं किया है, सही से प्यार किया है मैंने। मैंने बाकी से कह दिया था कि मुझे अकेला छोड़ दे। मैं होश में नहीं था तब, मुझे नहीं पता था कि वो सच में घर छोड़कर चली जाएगी। पत्र, अरे जाओ ना, दरवाजा खोलो ना, शायद पत्र लिखा हो। We'll be right back.
मैं वीनू के लिए यहाँ आई हूँ। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अंदर जाने दो फिर। वीनू रो रहा है। करिश्मा। हाँ दादा। सौरत से कह दो कि वो यहाँ से चली जाए, इसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। इस घर में वो कदम नहीं रख सकती। तुम समझ नहीं रहे हो विराट, वीनू ने मुझे खुद फोन करके बुलाया। मैं उसके लिए आई हूँ, अपने लिए यहाँ नहीं आई हूँ। करिश्मा प्लीज इस औरत से पूछो, अगर इसे अपने बच्चों की इतनी ही फिक्र है, इतनी ही परवाह है, तो फिर ऐसा कदम उठाया ही क्यों उसने? पर अगर उठा ही लिया है तो फिर यहाँ क्यों आई है माँ बनने के लिए जबरदस्ती? प्लीज इसे को अभी के अभी यहाँ से चली जाए, मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी है। करिश्मा इनसे कह दो कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई, मजबूरी में आई हूँ। और अगर ये इतने ही अच्छे पिता हैं, तो फिर मेरे बेटे ने रोते बिलखते हुए मुझे फोन क्यों किया? मेरा बेटा सुबह से भूखा प्यासा क्यों बैठा है? अगर ये सच में खुद को अच्छे पिता मानते हैं, तो अभी अपने गुस्से को शांत करना चाहिए इन्हें। अपने बेटे के बारे में सोचना चाहिए, मुझे अंदर आने देना चाहिए। वीनू को अभी मेरी जरूरत है, मैं वीनू के लिए आई। और ऐसे ही किसी के भी कह देने से मैं बिना वीनू से मिले वापस नहीं जाऊंगी। सुनो विराट, वीनू की तबीयत ठीक नहीं है। सही ठीक कह रही है, उसे आने दो। हम सब हैं यहाँ पर वीनू का ख्याल रखने के लिए। आप प्लीज संजान औरत से कह दीजिए ना कि जबरदस्ती अपनापन दिखाने की जरूरत नहीं है इसे। आप छोड़िए, मैं ही कर देती हूँ। मैं वीनू से बिना मिले नहीं जाऊंगी वापस। ये बात अच्छे से समझ लो बेरा। और मैं भी तुम्हें इस घर में कदम रखने नहीं दूंगा। डॉक्टर आंटी, वीनू मैंने कहा था ना, सत्या अभी भी बहुत से डरता है। अच्छा एक बात बता, तू इतनी रात को अपनी बीवी के साथ कहाँ गया था? अरे इतनी रात को भजन कीर्तन करने तो नहीं गए होंगे ना, रोमांटिक लॉन्ग ड्राइव पे गए होंगे। प्यार और रफ्तार क्या जबरदस्त कॉम्बिनेशन है ना? और एक बात बता जरा, मुझे तो बाहर गया था तो हमारे लिए आइसक्रीम क्यों नहीं लेकर आया? बोल बोल बोल, या फिर बीबी के आने के बाद हम दोनों को भूल गया? अरे सत्या आइसक्रीम लेकर नहीं आया इसका मतलब सही नहीं लेकर आएगी, ऐसा थोड़ी ना है। वो तो आती होगी ना, उसको कहाँ पीछे छोड़ दिया? हाँ सही कहा है। एक्चुअली सही नहीं आई। नहीं आई मतलब? तुम दोनों तो साथ में गए थे ना, तो फिर वो कहाँ रह गई? वो शायद आज जवान निवास में रुकेगी। क्या मेरी बहू अपने ससुराल को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर अपने पुराने ससुराल में रहेगी? क्यों भाई? सई के बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई और वो बहुत परेशान है, इसलिए उसको ख्याल रखने के लिए वहां गई। क्यों, विराट की पत्नी नहीं है बेटे का ख्याल रखने के लिए? भवानी ताई तो परिवार परिवार कर रही थी ना मेरे सामने, अब क्यों नहीं समझ में आता उसे? भाई विराट की बीवी घर छोड़कर चली गई है, इसके वजह से वीनू बहुत डरा हुआ है और इस बात से उसकी तबीयत और बिगड़ती जा रही है। सही उसी का ख्याल रखने के लिए वहां गई है।
छोड़ना एक बच्चे की तबीयत का सवाल है। मैं समझ गई कि तू कितना ना समझ है। तुझे तो नजर ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। भवानी ताई यहाँ आकर मुझे परिवार के बारे में इतना लंबा चौड़ा भाषण देकर गई और वहाँ अपनी बहू को नहीं संभाल पाई, उसकी दूसरी बहू उसके भतीजे को छोड़कर चली गई, और ये पहली वाली गई है वहाँ अपने बेटे की तीमारदारी करने। क्यों बहनी, आपने क्या कहा था कि सत्या ने मैंगो मस्तानी खाई है, वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, ये रिजा के बारे में नहीं सोच रहा। अब इसकी बीबी के बारे में क्या कहेंगी आप, जो अपने अतीत की जंजीरों से खुद को आजाद ही नहीं कर पाई है। उसका एक पैर यहाँ और दूसरा पैर जवान निवास में है। ऐसे बसेगा मेरे बेटे का घर, ऐसे बनेगा इसका संसार? बोलिए भाई, तू क्या बोल रही है? तू एक दिन के किस्से को पूरी जिंदगी का फलसफा क्यों बना रही है? सत्या, चावल पके है या नहीं ये एक दाना दबाकर देखा जाता है, पूरा भगोना नहीं। मैं बता रही हूँ तुझे, तेरे बीबी के पांव दोनों घरों में हैं, और जो दो घरों का होता है ना वो किसी का नहीं होता। एक बात अच्छे से समझ ले और अपनी बीबी को भी समझा देना, आज जैसे वो वहां गई है ना, वैसे ही अगर बार बार आती जाती रही ना सत्या, तो मैं नागपुर छोड़ दूंगी। और तुझे भी मेरे साथ नागपुर छोड़ना पड़ेगा, और तुझे ऐसे जगह लेकर जाऊंगी जहां से वो चव्हाण निवास कभी वापस ही नहीं आ पाएगी। उसे बता देना सत्या, अगर उसे अपने बेटे की देखभाल करनी है तो यहां करे ना, अपने ससुराल में। बार बार ऐसे मुंह उठाकर वहां जाती रही ना, तो ये बात मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी सत्या, समझ लो। मम्मा मुझे छोड़ के ऐसे कैसे जा सकती है? फिनू, बाड़ा प्लीज। बाड़ा, खाना खा लो। नहीं, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे मेरी मम्मा चाहिए। आप प्लीज मेरी मम्मा को वापस ले आओ। आप बार बार ऐसा क्यों कह रहे हो कि आपकी मम्मा आपको छोड़ के चली गई है? बाड़ा, आपकी मम्मा तो आपसे कितना प्यार करती है, वो आपसे दूर थोड़ी ना रह पाएंगी। बाड़ा, आपकी मम्मा ना बस गुस्सा है अभी। जैसे आपको जब गुस्सा आता है तो आप किसे टेंट में छुप जाते हो या कमरा बंद करके अंदर बैठ जाते हो, वैसे ही आपकी मम्मा भी गुस्सा है। आपकी मम्मा और बाबा का झगड़ा हुआ है ना, इसलिए आपकी मम्मा कहीं जाके छुप गई है। लेकिन आप परेशान मत हो, जैसे ही आपकी मम्मा का गुस्सा शांत होगा ना, वो वापस आ जाएंगी अपने वीनू के पास। पक्का मम्मा वापस आ जाएंगी ना? हाँ बाड़ा, पक्का वापसी दूर थोड़ी ना रह पाएंगी। चल खाना खा। नहीं डॉक्टर आंटी, अब मेरा बिल्कुल मन नहीं है खाना खाने का। क्यों बाड़ा, अगर आप खाना नहीं खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, और फिर जब मम्मा वापस आएंगी तो आपको बीमार देखेंगी, फिर उन्हें लगेगा कि आप उनकी वजह से बीमार हुए। क्या आप चाहते हो आपकी मम्मा को बुरा लगे? नहीं। तो फिर बाड़ा प्लीज खाना खा लो ना, और आप परेशान क्यों हो रहे हो? आपके बाबा तो पुलिस में है, वो आपकी मम्मा को यूं ढूंढ लेंगे फटाफट। नहीं डॉक्टर आंटी, बाबा कुछ नहीं करने वाले, बाबा मम्मा को ढूंढ कर नहीं लाएंगे। डॉक्टर आंटी, आप मुझे हर मुसीबत से बचाने वाली परी हो ना, सिर्फ आप ही मम्मा को ढूंढ के लेकर आ सकती हो। प्लीज आप मम्मा को ढूंढ के ले आओ ना डॉक्टर आंटी, आप उन्हें ढूंढ के लेकर आओगे ना डॉक्टर आंटी? हाँ बड़ा, मैं आपकी मम्मा को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगी, आप प्लीज खाना खा लो, खुद पाए हो ना। गुड बाय।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।